यहाँ उपस्थित तमाम विद्वान शिक्षकों और प्यारे साथियों को सुप्रभात। सर्वप्रथम शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मुझे दो शब्द बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, एक पक्की नींव पर ही एक सुदृढ़ भवन खड़ा किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो विद्यार्थी रूपी नींव को सुजित करके ऊपर भविष्य में सफलता रूपी सुजित भवन खड़ा करने में सहायता करता है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए शिक्षकों का सम्मान बहुत ही आवश्यक है। इस प्रचलित दोहे में महान कवि दास जी कहते हैं, जब आपके सामने गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हो तो आप सर्वप्रथम किसे प्रणाम करेंगे। गुरु ही गोविंद अर्थात भगवान तक पहुँचने का मान प्रकट करते हैं, अर्थात गुरु महान है और आपको अपने गुरु की सुंदर प्रसन्न करना चाहिए। तो शिक्षक का महत्व ईश्वर से भी ऊपर दिया गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तत्व श्री गुरु है नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, इस गुरु ही सब कुछ है। इसके सबसे पहले गुरु का नमन करना चाहिए। महोदय, वैसे तो शिक्षक सम्मान के लिए किसी दिन के मोहताज नहीं, फिर भी कई देशों में शिक्षकों के सम्मान के लिए एक विशेष दिन घोषित किया गया है। भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन में सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन का शिक्षा के प्रति रुझान था और उनका मानना था कि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। महोदय, मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ शिक्षकों को जो हमें जोड़ी